जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, मैथ का मॉक टेस्ट। आप लोग जानते हैं कि पिछले हमने कई कई सारे मॉक टेस्ट करा रखे हैं। आज फिर से हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको जितने भी मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, आप सारे के सारे मॉक टेस्ट को अटेंड करिए और यकीन मानिए, हर मॉक टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी तैयारी में जो कमियां रह गई हैं उनको जानने का मौका मिलेगा और अपने स्पीड को और भी बढ़ाने का कुछ ना कुछ ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे ऐसे ही जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसको ईमानदारी से आप लोग देते रहिए और इसका जो आंसर हो आप लोग चेक करिए कि हम 20 में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन को हम अपने तरीके से सही तरीके से कर पा रहे हैं, कितने स्पीड से कर रहे हैं, वो सभी अपने आप को जांचिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे और आप लोग चलिए सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही आपसे बातें करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आ गया है कि यदि संख्या एक्स 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन से पूछने का मतलब क्या है, एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 11 से विभाज्य है तो हमें 11 से विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। अगर 11 से विभाज्यता के नियम पता होंगे तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप जानते हैं 11 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं का अंतर योग, जैसे यहाँ पे अल्टरनेट का क्या करने का मतलब है, एक ले लीजिएगा एक छोड़ करके फिर अगले वाले को एक साथ ऐड करिए और उसके बाद अगले वाले को छोड़ करके एक साथ ऐड करिए। इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो 11 से 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 0 हो जाएगा तब भी 11 से विभाज्य होगा और या 11 का कोई गुणज होगा तो भी 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से क्या होगा कि अगर हम अल्टरनेट को चेक करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ अल्टरनेट चेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4 और 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 प्लस 4। ठीक है, 6 प्लस 4 या 4 प्लस 6 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10। ठीक, माइनस 10 और ये बराबर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो एक्स के स्थान पर हम एक ही संख्या रख सकते हैं। ठीक है, एक्स के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, केवल एक संख्या रख सकते हैं। वो कौन सा संख्या रख सकते हैं जिसे या तो 11 का कोई मल्टीपल बन जाए या तो 0 बन जाए। हम जानते हैं कि एक्स के स्थान पर अगर हम कुछ भी संख्या रखें जो 11 का मल्टीपल चेक करें तो 11 का मल्टीपल बनने में हमें एक संख्या से नहीं बन पाएगा क्योंकि 5 है। ठीक है, 5 के साथ में हम या तो 6 रख दे, 6 5 11 हो जाएगा या 6 से कम ही रख पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम 11 का मल्टीपल तो नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि डिफरेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x प्लस 5 बराबर माइनस 10 है तो हम x की जगह अगर 5 रख दें, 5 प्लस 5। ठीक है, और उसके बाद माइनस 10 है, 5 5 10 माइनस 10। अभी देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, x के स्थान पर अगर हम 5 रख देंगे तो ये इनका जो अंतर अल्टरनेट संख्याओं का अंतर होगा वो 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो x के स्थान पर हमने क्या रखा है, 5 5 रखने पर ये डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है। तो हमारा यही हमसे पूछा गया था कि x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए। x के स्थान पर अगर हम यहाँ पे 5 रख दें, संख्या हो जाएगी 5 4। देखिए संख्या क्या बन जाएगी, 5 4 4 6 1। ठीक है, अब ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। कैसे होगी, देखिए 5 4 9 1 10। ठीक है, माइनस 6 और 4 कितना होता है, 10। 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 0। आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 11 की या तो उनके इनका जो अंतर हो या तो 0 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। तो 0 होना पॉसिबल है, 11 का मल्टीपल होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 वालों को रख करके x का मान क्या रखेंगे, 5। यही हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है, तो 5 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, आप लोग रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पे 2 चर है, कौन कौन से हैं, एक तो कुर्सी है और एक क्या है, मेज है। ठीक है, तो हम देखिए अब हम मान लें कि कुर्सी मेज के लिए हम कह दें कि एक्स, ठीक है, 2x, और कुर्सी के लिए हम कह दें वाई, तो 2x प्लस 3y, 3y बराबर कितना दिया है, 540। एक समीकरण ये बनेगा, दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 2 मेज के लिए हमने x माना है तो क्या मानेंगे फिर से हम, 2x।
2x प्लस कुर्सी के लिए हम y माने हैं, तो y क्योंकि एक y है तो y को हम y लिख सकते हैं, ठीक है। y बराबर कितना दिया है 470। अब देखिए यहाँ से हमें x और y का अलग अलग मान निकाल करके आंसर करना होगा। तो देखिए हमें पूछा है कुर्सी का मूल्य, ठीक है, तो कुर्सी के लिए हम क्या माने हैं y, तो हम y का मान निकालना चाहे कैसे करेंगे। देखिए समीकरण नंबर एक है, ये समीकरण नंबर दो है, इन समीकरण नंबर एक में से दो को हम क्या करें घटा दें। अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x से 2x खत्म हो जाएगा, 3y में से 1y जाएगा, तो बचेगा कितना 2y, ठीक है 2y। और यहाँ 540 में से 470 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 70, मतलब कितना हो जाएगा 70 बचेगा। अब घटा कर देखिए 0 0 14 में से 7 × 7 4 × 4 = 4, ठीक है। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा 35, ठीक है। यहाँ से एक y का मान निकल के आया 35, y का मान 35 निकल के आया, लेकिन हमसे पूछा है 5 कुर्सी, ठीक है 5 कुर्सी, तो मतलब 5y, तो 5y का मान हमसे पूछा है, 5y का मान निकालना चाहें तो 35 में क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, 35 × 3 कितना हो जाएगा 5, 35 × 5 = 25, ठीक है 5 × 3 = 15, 2 = 17, 175। तो हमारा जो 5 कुर्सी का मूल्य होगा कितना हो जाएगा 175, यही हमसे पूछा गया था। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। कुछ नहीं करना था आपको, 2 समीकरण बनाना था, 2 समीकरण को हल करके वाई का मान पूछा गया। अगर हमें मेजों की संख्या पूछी गई होती तो हम वाई का मान किसी एक समीकरण में रख करके एक्स का मान निकाल लेते, तो एक्स क्या होता वो मेजों के का मूल्य हो जाता। अगला देखिए, अगला पूछा है कि कहा है, अगला क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या के को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि जबकि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, तो दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए अनुपात कितने का दिया है 7 और 5 का, यहाँ अंतर कितने का है 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है 14 अधिक है, मतलब ये दोनों इनका जो अंतर है वो 14 है, लेकिन 2 यूनिट का मान 14 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा 7। हमसे पूछा गया है कि दोनों भागों के अनुपात 7 और 5 है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है 14 है, दोनों भागों का अनुपात कितना है, तो वह संख्या क्या है। देखिए संख्या क्या होगी, संख्या यही दोनों का योग ही तो होगा, उसी संख्या को ही डिवाइड किया गया है, मतलब इन संख्याओं का योग ही हमसे पूछा गया, मतलब ये 7, 5, 12 यूनिट का मान, हमें ये 12 यूनिट का मान पूछा गया, क्योंकि हम एक किसी एक संख्या को इस प्रकार एक ही संख्या को दो भागों में बांटा गया है, तो ये हमारा एक ही संख्या का दो भाग है, तो हम पूरा संख्या हमसे पूछा गया है, तो हमें 12 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का मान अगर 7 है तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 × 7, 12 × 7 कितना होता है 12 × 7 = 84, ठीक है 12 × 7 = 84, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए थोड़ा सा लॉजिक था, लॉजिक क्या था, देखिए कहा है कि किसी संख्या को इस प्रकार, मतलब एक कोई संख्या है उसको दो भागों में बांटा गया है, उसी संख्या को दो भागों में बांटा गया है, उसका अनुपात में दिया गया है 7 और 5। अगर हम जाने कि अगर ये 7 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा 12, मतलब ये संख्या कितनी थी 12 थी, 12 को 7 और 5 के भागों में बांटा गया है, 2 यूनिट का मान हमें यहाँ पे 2 यूनिट का मान 14 दिया गया था, तो 12 यूनिट का मान पूछा था, तो यहीं पे हम अगर 12 करते तो यहाँ 6 से गुणा करना पड़ता, तो यहाँ भी 14 × 14 = 84, ऐसे भी लगा सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग तरीके को समझिएगा और लैंग्वेज को क्या कह रहा है उसको आप लोग पकड़िए और फटाफट क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने मान लेते हैं कोई दो संख्या ए और बी एक कोई दो संख्या है, हमसे कहा है कि दोनों संख्याओं का योग, मतलब ए प्लस बी का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 30, और क्या दिया है उनका गुणनफल ए बी का मान कितना दिया गया है 50, ठीक है। हमसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कैसे होता है, ए का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a प्लस उनका योग पूछा ना, तो प्लस करेंगे, और बी का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ से क्या बन जाएगा, बी का गुणा यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बटे ए बी, ठीक है, यही आएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मान हमें कितना दिया गया है, ए प्लस बी का मान हमारा आया है 30 और ए बी का मान कितना आया है 50, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा तो हमारा निकल के आएगा कितना 3/5, यही हमसे पूछा गया था। 3/5 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही 3/5 है, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस ये लैंग्वेज समझना था कि उनका विक्रमों का योग कैसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यंजक के मान ज्ञात कीजिए। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे a² - b² देखिए यहाँ पे ये इसको हम a मान ले, इसको मान ले b, ठीक है, नीचे भी देख रहे हैं a और b दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b, ठीक है। तो हम अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ पर भी ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा,
कि a माइनस बी यहाँ है, एक a माइनस बी नीचे है, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, बचेगा कितना a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब हो जाएगा a का मान कितना है 2.7 प्लस 0.8, 27.8 कितना होता है 3.5, जो इसका आंसर होगा कितना होगा 3.5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, करा निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन रेलवे के एकदम कंपलसरी आते ही है, हर सेट में आप देखने को मिलेगा, ऐसे सरलीकरण से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें क्या करना होता है आप जानते हैं, पहले छोटा कोष्टक को हर साल किया जाता है, छोटे कोष्टक के बाद भाग को क्या किया जाता है, उसके बाद गुणा को, फिर उसके बाद जोड़ को, फिर उसके बाद घटाना को। तो यहाँ पे देखिए छोटे कोष्टक में क्या है, पहले हम इसको इस भाग को सॉल्व करते हैं, केवल इस भाग को अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या होता है। इस भाग को सॉल्व करने के लिए ये भाग का चिन्ह अगर बदल भाग को हम क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 14/25 बन जाएगा। क्या बनेगा देखिए, 5/7 और गुणे 14/25, यही बनेगा। भाग जब चेंज होता है तो ये 7 से कटेगा 2 बार में और ये 5 से कटेगा 5 बार में, मतलब इस पूरे भाग का मान कितना आ गया है 2/5। ठीक है, इस भाग का 2/5 आ गया है। अब यहाँ पे गुणा है तो ये गुणा लिखेंगे कितना है 15/13 गुणे कितना लिखेंगे 2/5। ठीक है, यही हमारा ये गुणा में होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा, ये बनेगा 30/65। ठीक, उसके बाद क्या है 30/65 बन रहा है और क्या बनेगा देखिए, अब यहाँ 19 वाले 26 एक कितना होता है, 26 का 26 और 26 और 19 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ये वाला यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए, यहाँ सॉल्व करने के बाद कितना आया है 30/65, या इसी को हम 5 से कटा देंगे। 5 से जब हम कटाएंगे तो देखिए यहीं पे हम कटा दिए होते तो आ जाता, 5 से यहाँ कटाएंगे तो 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6, 6/13 बन गया। ठीक है, यहाँ तक का मान कितना आ गया है, अब देखिए यहाँ तक हम सॉल्व करते चले गए हैं तो कितना आ गया है 6/13। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है 26 + 26 और 19 45/45। अब देखिए हम इसको ले रहे हैं 45/26 और उसके बाद क्या बन रहा है प्लस, और यहाँ पे ये बना रहा कितना 6/13। यहाँ नीचे 26 अगर कर दे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा तो यहाँ पर भी 2 का गुणा। अब देखिए ये 45 और 12 कितना हो जाएगा 45 × 12 57/ कितना बन जाएगा 26। ये कहाँ तक का हो गया, ये वाले कोष्टक तक का हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको देखिए 6 × 12 = 13। अब यहाँ से क्या बनेगा देखिए, 6 × 12 = 13, 13/6। ठीक है, 13/6, 13 से कटाएंगे तो ये 13 × 2 = 26। ठीक है, और किससे 3 से कट जाएगा, ये 19 × 3 = 57 और ये 3 × 2 = 6। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा 2 का गुणा 19/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 16। ठीक है, 16 + 3/4, 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 किसी में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप बहुत ही फास्ट सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है, पीछे से करना है, पहले छोटे कोष्टक को, छोटे कोष्टक में जो भी होगा भाग गुणा, तो आप जानते हैं भाग जो बर्डमाउथ जानते हैं, बर्डमाउथ का रूल जानते ही होंगे, तो आप उस रूल को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ये सब आसान, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस अगर नहीं रहती है ना, थोड़े थोड़े मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आ जाते हैं। तो देखिए ये RRB NTPC सेकेंड स्टेज का है, मतलब मेंस का एग्जाम, मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बढ़िया से सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा HCF LCM से आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। कहा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक HCF लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 5 और 210 है, तो यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये डाटा हमें कोई बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन इसका यूज होगा, अभी हम बताएंगे कैसे। देखिए कहा है कि HCF और LCM हमें दिया गया है, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर हमें HCF पता है, दो संख्या मानना हो तो हम क्या मानेंगे, देखिए इस क्वेश्चन के लिए 5a, पहली एक संख्या 5a हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी 5b हो जाएगी। ये क्यों हुई जानते हैं, क्योंकि HCF 5 में दिया गया है, मतलब उस संख्या में 5, दोनों में 5 तो कम से कम कॉमन है ही है ही, तो a और b एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ये अभाज्य हो जाएंगे, सह अभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 5a 5b का मान हमें दिया गया है, हम जानते हैं कि क्या होता है LCM क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुणे HCF। ठीक है, तो हम देखिए पहली संख्या को 5a माने हैं, तो 5a गुणे 5b को हम क्या लिख सकते हैं, LCM गुणे HCF, मतलब 5 × 210 लिख सकते हैं ना, LCM गुणे HCF कितना है 5 है और गुणे 210 क्या है इसका LCM है।
इसको हम लिख सकते पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएल गुणे एलसीएम। ठीक है, इस नियम को फॉलो करा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से पांच से पांच कट जाएगा और इस पांच से कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, पांच चौके बीस और पांच दूनी दस बयालीस आ गया। ए और ए गुड़े बी का मान कितना आ गया है बयालीस। अब हम बयालीस का क्या करेंगे, अभी इस बयालीस से हमें ज्ञात करना है वो संख्या दो, तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए उस संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, ए ए इंटू बी का मान हमें बयालीस पता चल गया है। अब ए और बी जानते हैं ये दोनों सहअभाज्य है ना, तो सहअभाज्य है तो सहअभाज्य में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बयालीस को लिख सकते हैं सहअभाज्य सात गुणे छह। ठीक है, इसका बयालीस का अगर हम सहअभाज्य निकालेंगे तो यही हमारा आएगा, इसका आएगा एक तो आएगा इक्कीस गुणे दो भी आएगा, ये भी सहअभाज्य होगा। लेकिन हमसे कहा है कि वो संख्याएं क्या है पच्चीस और चालीस के बीच में है। ठीक है, तो इसके देखिए कितने गुणे अनखंड हो रहे हैं, सात छह होता है, इक्कीस इक्कीस और दो होता है, और कोई होता है एक बयालीस और बयालीस गुणे एक होगा, ये तीन गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इस वाले लैंग्वेज का काम करेगा, ये वाला लैंग्वेज हमारा काम करेगा, कैसे करेगा देखिए, ये हमारा ए और बी आया, न की संख्याएं आई है, तब उसमें हमें संख्या तो पांच ए और पांच बी है। ठीक है, तो ए और बी का मान अगर पता चल गया है तो अगर हम पहली संख्या निकालना चाहें तो पहली संख्या पांच ये है, ए का मान अगर सात रख रहे हैं तो सात पच्चे कितना हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा। ठीक है, और क्या रहा, बी रखेंगे, बी की जगह पे छह है, छह पंचे कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए ये क्या है तीस और पैंतीस आ गया, ये संख्या हो सकती है। ठीक है, ये संख्याएं हो सकती है क्योंकि कहा है पच्चीस और चालीस के बीच ये संख्याएं हो रही है। अब इसको भी हम चेक करेंगे एक बार, एक बार अगर पांच ए रखेंगे तो इक्कीस पंचे एक सौ पांच हो जाएगा, जो कि देखिए इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, तो हमारा ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। बयालीस वाले को भी रखेंगे तो पांच से रखेंगे, बयालीस में अगर हम पांच का गुणा करेंगे तो हम जानते हैं ये बहुत आगे चला जाएगा इस रेंज के बाहर, तो हमारा ये वाला दोनों गुणनखंड नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस वाले गुणनखंड से ही आंसर को निकालेंगे। तो हमारा जो संख्या क्या हो जाएगी पैंतीस और तीस हो जाएगा। ठीक है, पैंतीस और तीस हो जाएगा, हमसे पूछा है इन दोनों का योग, योग पूछा है तो जोड़ेंगे, पैंतीस और तीस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पैंसठ, कितना होगा पैंसठ। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी में क्या है पैंसठ है। तो आपको समझना ये था कि देखिए हमें वो संख्याएं माननी है, संख्याएं कैसे मानेंगे, पांच ए और पांच बी क्यों माने, क्योंकि एचसीएफ जो होता है एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, तभी वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है, जैसे भी किसी भी संख्या का अगर हम दो और देखिए कभी कभी हम आपको समझाते हैं थोड़ा उदाहरण देकर के जल्दी समझ पाएंगे। देखिए जैसे हम कह दें कि चार और बारह, चार और बारह का एचसीएफ क्या होगा, आप कहेंगे कितना हो जाएगा एचसीएफ चार हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, चार को हम लिख सकते हैं चार गुणे एक, बारह को लिख सकते हैं चार गुणे तीन। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन रहता है चार यहाँ कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है, इसलिए एचसीएफ चार रख लिए। तो यहाँ पे एचसीएफ अगर हमें पांच दिया है तो पांच दोनों संख्याओं में निश्चित ही पांच क्या है उसका गुणनखंड होगा, एक एक गुणनखंड पांच जरूर होगा। ठीक है, तो हम एचसीएफ को संख्याएं माननी होंगी तो संख्याएं क्या मानेंगे, फाइव ए इंटू फाइव ए और फाइव बी। ठीक, बस इस संख्याओं को मान करके जो दिया गया है फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यहां से हम ए बी का मान निकालें और ए बी का सहअभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बाकी आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा और फिर से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको समझने की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक चौरासी है, यदि संख्याओं का अनुपात दो और तीन है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा तो पिछली क्वेश्चन और ही आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, कहा है कि देखिए हमें दिया है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, और क्या दिया है, दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं दी है टू इंटू थ्री, मतलब टू अनुपात थ्री, मतलब हम अगर संख्याएं माने तो क्या लिखेंगे टू एक्स अनुपात थ्री एक्स। ठीक है, एक संख्या टू एक्स हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी हमारी थ्री एक्स। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होता है दो कॉमन, दो इसमें नहीं है दो अलग से लिखेंगे, तीन नहीं है तीन को लिखेंगे, और क्या है एक्स कॉमन है दोनों में तो एक्स लिखेंगे, तो दो तिहाई छह एक्स, छह एक्स का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है चौरासी। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम दिया गया है, एलसीएम में दिया गया है कितना चौरासी, तो हम यहां से अगर एक्स का मान निकालें, एक्स का मान निकल के आएगा कितना चौदह, एक्स कितना निकल के आया चौदह निकल के आया, हमसे पूछा है उन संख्याओं का योग, तो वो संख्याएं टू एक्स और तीन एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पांच एक्स। इसमें ध्यान देना है पांच एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यही बहुत ही ये देखिए एलसीएम में ये आपको मानना है। एलसीएम क्या होता है आप जानते हैं कि दो तीन का एलसीएम तो होता है छह, लेकिन टू एक्स और तीन एक्स का एलसीएम हो जाएगा छह एक्स होगा, न कि छह एक्स स्क्वायर, ये इसी में ध्यान देना है। तो यहाँ पे छह एक्स होगा, हमें यहाँ से एक्स का मान पता चल गया है,
तो हमें 3, 2, 5 इनका योग पूछा है, 3, 2, 5x, 5x का मान कितना हो जाएगा 5 × 14, x का मान कितना है 14, 14 × 5 कितना हो जाएगा 70। ठीक, लॉजिक को समझिएगा और आंसर दीजिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, अच्छा करते हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, 24/8/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और सेम डाटा के क्वेश्चन है, सेम डाटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दोगुना तेज है तथा वे मिलकर काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं, अकेला अश्विन कार्य करने कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, जब भी कह दे कि दोगुना तेज है, ये तेज का मतलब क्या दिखाता है, उसकी क्षमता। ठीक है, उसकी क्षमता, हमें क्षमता का अनुपात दिया गया है। देखिए एक अनिरुद्ध है और एक कौन है, अश्विन है। ठीक है, ये अनिरुद्ध है, ए आर हम लिख देते हैं, अश्विन को ए एस लिखते हैं। ठीक, इनके इनके क्षमता का अनुपात हमें दिया गया है, नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दोगुना तेज है। अगर ये अश्विन अगर एक है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, अनिरुद्ध। ठीक है, एक काम को मिलकर जो 14 दिनों में करते हैं, इनकी जो क्षमता के अनुपात है कितना है, 2 और 1 है। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी क्षमता को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कितने दिन कर रहे हैं, 14। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया है, टोटल वर्क कितना किए हैं लोग, 42 काम किए हैं। ठीक है, इस 42 काम को अब क्या कह रहा है कि अकेला अश्विन कार्य करने में कितना समय लेगा। तो अश्विन की जो क्षमता होगी, अश्विन की क्षमता क्या होगी, 1 होगी। इस पूरे 42 काम को 1 की क्षमता से काम करेगा तो वो 42 दिन लगेगा। ठीक है, यही इसका यही पूछा गया था हमसे, अश्विन कितने दिन में करेगा, अश्विन कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी 30/4/2016 को पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन था, क्षमता पर क्वेश्चन था और आसानी से थोड़ा सा आपको लॉजिक और ट्रिक के साथ समझा रहे हैं ताकि आप स्पीड आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। अब इसको समझिएगा, पी और क्यू है, कौन है, पी और क्यू। ठीक है, कहा है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। ठीक है, पी जो है क्यू की तुलना में अधिक दक्ष है। अगर क्यू का क्यू 2 है तो पी क्या हो जाएगा, 2 में से 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। इनका जो क्षमता का अनुपात होगा 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, अभी आपको समझाया जब एक साथ काम करेंगे तो दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के लिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितने दिन तक कर रहे हैं, 18 दिन तक। यहाँ से हमें टोटल वर्क निकल के आएगा, 18 × 5 = 90। ये लोग मतलब 18 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 90 काम। ठीक, अब इस 90 काम को कह रहा है क्यों अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्यों अपने क्षमता से करेगा 90 काम को, क्यों अगर अकेला करेगा तो क्यों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 की क्षमता से करेगा तो ये कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। ठीक, देखिए कितनी आसानी से और कितने आसान भाषा में ये समझ में आ गया होगा कि वो अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, क्यों ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कहीं से डाटा गलत दिया है क्या, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, सॉरी यहाँ पे देखिए यही सब थोड़ा समझना है, अधिक समय लेता है। ये देखिए ये समय का अनुपात है, ये टाइम का अनुपात है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सही से पढ़े तो आंसर गलत आ गया। तो देखिए ये समय का अनुपात है, हम जानते हैं कि समय का उल्टा होता है क्षमता, तो इनका जो क्षमता का अनुपात हो जाएगा, इफिशियंसी जो हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी 2 और 3 हो जाएगी। जिनकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेंगे। ठीक है, जो समय ज्यादा ले गया उनकी क्षमता कम होगी। तो यहाँ पे देखिए पी जो है वो क्यू से ज्यादा समय ले रहा है, तो इसकी जो क्षमता होगी क्यू से कम होगी। ठीक, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को अब लगाइएगा, अब इनकी जो क्षमता दी गई है, इनका क्षमता कितना हो जाएगा, 5 ऐड करने पर क्षमता 5 हो जाएगा, और कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, तो 18 × 5 = 90। टोटल वर्क तो हमारा 90 ही आएगा, लेकिन कहा है क्यों अकेले इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो क्यों अपनी क्षमता से करेगा, क्योंकि क्षमता कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, तो 3 से कटाएंगे तो ये 3 × 9 मतलब 30, ये 30 दिन आएगा। ठीक है, 30 दिन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 दिन था तो यहाँ भी दिन आएगा, तो 30 दिन में क्यों इस पूरे काम को कर लेगा अकेले, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है। ठीक है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो समझिएगा। देखिए पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि दर क्या है, दर पता चल जाए, दर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। देखिए कह रहा है कि 8 वर्ष, यहाँ पे देखिए 8 वर्ष में
आठ वर्ष में कोई मिश्रधन कितना हो रहा है? 24,500, ठीक है, 24,500। और फिर उसके बाद क्या रहा है, 13 वर्ष में जो डिफरेंट है कितने हो जाएगा, 32,000 का, ठीक। अब देखिए, अगर हम निकालें कि यहाँ से अगर टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, ये 5 वर्ष आएगा, ठीक है, ये 5 वर्ष आएगा। और यहाँ पे जो इनके अमाउंट का डिफरेंट आएगा वो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए 32,000 में से 24,500 निकालेंगे तो आएगा कितना, 7,500 आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 0,0,0, 10 में से जाएगा 5, उसके बाद 11 में से 4 जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगी 0, ठीक है। ये देखिए 5 वर्ष में ये 7500 क्या है, ये इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमाउंट का जो डिफरेंट आएगा वो ब्याज ही होगा, मतलब ये 5 वर्ष में 7500 रुपए बढ़ गया, ठीक। तो एक वर्ष में कितना बड़ा होगा, 5 से भाग देंगे तो ये 1500, एक वर्ष में वो 1500 बढ़ रहा है, मतलब कोई भी प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज हम जानते हैं हर साल क्या होती है, समान होती है, ठीक है, अगर हर साल समान होती है तो 5 वर्ष में अगर 7500 हुई है तो एक वर्ष में हम निकाले तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। एक वर्ष में अगर 1500 हुआ है तो ये जो 8 वर्ष में 24,500 हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 15 8 कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 1500 बढ़ रहा है तो 8 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, 15 8 120, मतलब 12,000 क्या हुआ है, ब्याज है। इस 24,500 में से 12,000 क्या है, इसमें ब्याज जुड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए 24,500 ये तो हमारा क्या है, अमाउंट है, अमाउंट में से हम इसमें 8 वर्ष का ब्याज कितना है, 12,000, ठीक है, 12,000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500। ये 12,500 क्या होगा, ये उसके लिए प्रिंसिपल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। और यही हमसे पूछा गया है क्योंकि देखिए 8 वर्ष में ये 24,500 अमाउंट हो रहा है, मिश्रधन हो रहा है, तो यहाँ से देखिए हमने मिश्रधन में से और 8 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 12,000, तो 24,500 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो हम यहाँ से क्या निकलेगा, प्रिंसिपल। और यही हमसे पूछा गया था, प्रिंसिपल 12,500। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। देखिए अब हम थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं, ज्यादा आप लोग के, देखिए हम जब आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाने आते हैं तो यहाँ हम एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही नॉलेज देंगे, कम समय में आपका बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सके, बस यही हमारा प्रयास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, अगर यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज दिया है तो दूसरे तरीके से लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो दूसरे तरीके से लगेगा। हम आपको यहाँ पे साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन आया है तो साधारण वाले ब्याज वाले को बढ़िया से समझाते हैं। देखिए दोगुना हुआ है, कोई धनराशि मान लेते हैं कि वो 100% होती है, कोई भी राशि आपस में अपने में 100% होती है, अगर कह रहा है कि दोगुना हो रही है, दोगुना मतलब क्या होता है, 200%, मतलब कितना होता है, 200%, मतलब यहाँ से डिफरेंट कितने का आया है, 100%, 100% होने में उसे कितना समय लगा है, 100% होने में उसे 8 वर्ष लगा है, तो अब हमसे रेट ही तो पूछा जाता है, तो 8 वर्ष लगा है तो हम 8 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 12 98, मतलब ये आएगा कितना, 12.5%, मतलब इसका जो रेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12.5%, 100% होने में अगर 8 वर्ष लगा है तो एक वर्ष में जितना बढ़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा, वही हमारा रेट हो जाएगा, ठीक है। हमें यही प्रतिशत ब्याज की दर हमसे पूछा गया था तो हमने निकाल के भी लाया, कितना आया, 12.5, मतलब 12.5%, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने आपको 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखिए कोई भी संख्या अपने में 100% होती है, अगर दुगुनी हो जा रही है तो कितनी हो जाएगी, 200%, कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ने में उसे 8 वर्ष लगे हैं तो एक वर्ष में जितना बढ़ता है वही उसका रेट होता है, एक वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे तो 12.5% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए हमारा ये आ गया है, यदि वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो देखिए ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि लिया जा रहा है, तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा, पहले हमें एक तरफ लिखते हैं प्रिंसिपल और एक तरफ लिखते हैं अमाउंट, यही तो होता है हमारा। अब देखिए 25,000 है, 25,000 को हम लिख सकते हैं 25,000, और अमाउंट क्या है, 36,000, 36,000। आप चक्रवृद्धि ब्याज में आपको
रेशियो मेथड पता होगा, देखिये ये जीरो से तीन जीरो से तीन जीरो कर जाएगा, इनका जो 25 और 36 का अनुपात आ गया है, ठीक है, ये दो वर्ष है तो हमारा दो वर्ष है तो हम पीछे एक वर्ष के लिए जाना चाहेंगे तो क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा, तो कितना बड़ा है, एक बड़ा है, कितने पर बड़ा है, 5 पर, परसेंटेज के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 5 से कटाएंगे तो 5 × 20% कितना आ जाएगा, 20%, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा 20% रेट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जॉन जीन से आयु में दो गुना बड़ा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है, जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए, ठीक है, वर्तमान आयु का हमें अनुपात दिया गया है, कितना क्या है, जीन जॉन से आयु में दुगुना बड़ा है, मतलब इनका जो अनुपात है 1:2 का, कौन बड़ा है, जीन जॉन से, ना जॉन जीन से, तो ये हो जाएगा जॉन, हिंदी में लिखते हैं, ये हो जाएगा जॉन और ये हो जाएगा जीन, ठीक है, इनका जो रेशियो बनेगा, देखिए कौन बड़ा है, जीन से दुगुना बड़ा है, इसका 1 हो जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा, जीन और जान की 3 वर्ष के बाद होगा, ठीक है, 3 वर्ष के बाद, देखिए जैसे कोई भी है, कोई भी दो व्यक्ति हैं, 3 वर्ष बाद ये भी जितने, अगर ये यक्ष है और ये वाई है तो समझिएगा, अगर ये यक्ष है, ये यक्ष वर्ष है और ये वाई वर्ष है, 3 वर्ष के बाद क्या होगा, ये भी यक्ष प्लस 3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, वाई प्लस 3 हो जाएगा। अगर ओवरऑल देखें तो दोनों का योग कितना बड़ा, यक्ष प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, अगर 3 वर्ष के बाद लिया गया है, 3 वर्ष के बाद दो लोग हैं तो 2 वर्ष 6 वर्ष बढ़ेगा, 6 वर्ष बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 वर्ष के बाद अगर इनका योग 66 हो रहा है तो 3 वर्ष पहले इनका योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 3 वर्ष पहले इनका योग कितना होगा, 60 होगा, लेकिन अनुपात में दिया गया है 2 और 1 का, तो यूनिट कितनी बनेगी यहाँ पे, 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर अगर हमारा 60 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे जॉन जो होगा, तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो हमारा 40 वर्ष हो जाएगा और जीन कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 23, अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 66 आ जाएगा, तो हमारा ये फॉलो कर रहा है, तो जीन और जॉन का योग हमारा आयु हमें पता चल गई है 40 और 20 है, 40 और 20 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आपको अगर कुछ भी दिमाग में ना चल पाए तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन मेथड भी बहुत ही बेहतरीन होता है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करते तो यहाँ पर भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे जान पहले दिया है और जीन पहले दिया है, ठीक है, तो जान जो है वो बड़ा है तो बड़े होने के लिए ये वाला आंसर हो जाता, आप वैसे भी चेक करते हो ये वाला और ये वाला गलत हो जाता, और तीसरा डी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, कैसे कि 3 वर्ष के बाद जोड़ने के बाद वो 66 वर्ष हो रहा है, यहाँ पे 84 वर्ष ऑलरेडी है, तो हम इसको भी गलत कर सकते हैं, ठीक है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है, ए और बी की आयु का योग 3 और 2, आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 हो रहा है तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, कितना दिया है ए और बी है, कितना अनुपात है 3 और 2 है, अगर देखिए कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अभी आपको बताया 3 वर्ष बाद हो रहा था तो 3 वर्ष इसका 3 वर्ष उसका, टोटल कितना बढ़ रहा था, टोटल 6 वर्ष बढ़ रहा था, यहाँ पे 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 10 वर्ष बाद देगा, तो 10 वर्ष बाद मतलब अगर ये पूरा 10 वर्ष बाद 80 हो रहा है तो दो लोग हैं तो 10 वर्ष 10 10 20 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा, 20 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 10 वर्ष के बाद, वो टोटल मिला के कितना योग एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 20 वर्ष, 10 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, 10 वर्ष पहले दोनों का योग कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, 60 का मान हम 60, ये तो हमारा कितने यूनिट का मान, 3, 2, 5 यूनिट के मान होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान वाला दिया है, वर्तमान वाला अनुपात दिया है, तो 5 यूनिट का मान अगर 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट का मान 12 हो जाएगा, हमसे पूछा क्या है उनकी वर्तमान आयु कितनी है, उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 + 36 और 12 × 24, 36 और 24, जबकि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, बस जो कहा है उसी को करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एडवांस से आ गया है, एडवांस में हमारा मेंसुरेशन से बना हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, 7 मीटर त्रिज्या 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है, यदि यह टंकी की
पूर्ण रूप से भरी हुई है। मतलब कुल मिला के ये कहा है कि बेलन का, बेलन दिया गया है ना, बेलनाकार आयतन का मतलब बेलन, बेलन दिया है, बेलन का हमें क्या निकालना है, आयतन। सीधा सीधा आप लैंग्वेज को समझिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में हमसे जब भी पूछे तो हमारा क्या पूछ रहा है, वो आयतन ही पूछ रहा है, ठीक है, आयतन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोग समझिएगा जो थोड़ा सा, बेलन कैसे बनता है। देखिए एक हमारा ये वृत्त होता है, ठीक है, एक मान लेते हैं कि वृत्त है, और इसी पर कई सारे वृत्त को ऐसे बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए, ये एक वृत्त है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ही फिर और वृत्त ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, और ढेर सारे वृत्त ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए बेलन तो हमारा, बेलन का हमें यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, परिधि, परिधि होती है कितनी, 2πr होता है, ठीक है, बेलन का वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। लेकिन अगर हमें ये इसकी ऊंचाई h हो जाए तो जो बेलन का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, h का यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो बेलन का आयतन कितना होता है, 2πr h, ठीक है। बस अब हमें यही चेक करना था, यहाँ पे हमें क्या क्या, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होता है r होता है, ऊंचाई दिया है 20, ठीक है, और पाई का मान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान नहीं दिया, तो पाई का मान जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है, कितना होता है, 2×22/7, और त्रिज्या का मान दिया है कितना, 7, और ऊंचाई का मान कितना दिया है, 20, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको बाद जुड़ा करते हैं, 20×40, 22×40, ठीक है, 22 चौके कितना होता है, 88, 22 चौके कितना होता है, 88। कुछ गलती हुआ है क्या, ध्यान से एक बार देखिएगा, अरे सॉरी, पाई आर, बेलन का आयतन गलत बना दी ना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू इसके साथ एच होता है, ठीक है, बेलन का आयतन जो होता है वो क्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप लोग को थोड़ा सा गलत बता दिए थे, समझिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, 7 मीटर है तो 7×7, ठीक है, एच का मान कितना है, 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कटेगा, 22 दुना कितना होता है, 44, मतलब 440×7, ठीक। अब इसको गुणा करते हैं, 0×7 = 28, 7×28 = 30, ठीक है, 30×80 क्या आएगा, ये मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है मीटर क्यूब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आप लोग को थोड़ा सा हम वो बता दिए, जो 2πr s जो होगा वो बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी बहुभुज के अंतःकोणों और बहिष्कोणों के अंतर 36 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं पिछले कई सारे मॉक टेस्ट में, क्या होता है, समबहुभुज होगा तो समबहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालना हो तो n-2×180, ये क्या होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है। अगर हमें एक कोणों का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे तो एक कोण का मान निकल के आएगा, ठीक। हमें दिया गया है कि अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग, आप जानते हैं किसी भी अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों को मिला करके टोटल कोण बनता है कितना, 180 बनता है, ठीक है। अंतःकोण और बहिष्कोण होता क्या है, आप लोग थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लें हम चतुर्भुज को ही लेते हैं पहले, इसमें अच्छे से समझ पाएंगे आप। देखिए एक हम चतुर्भुज ले लिए हैं, ये क्या है, वर्ग है, आयत है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये चतुर्भुज ले लिए हैं तो इसका अंतःकोण क्या हो जाएगा और बाह्य कोण क्या हो जाएगा, इसको समझिएगा। अंतःकोण ये वाला अंदर का कोण हो जाएगा और ये वाला कोण हो जाएगा बाह्य कोण, ठीक है। आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम कह सकते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का मिलाकर के कोण कितना बनता है, 180 बनता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया क्या गया है, यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोणों का अंतर, मान लेते हैं कि अंतःकोण x है तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा 180 - x होगा, क्योंकि हम बताएं अभी आप लोगों को कि अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये हम अगर अंतः मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम बहिष्कोण मान लेते हैं, बहिष्कोण, ठीक है, तो 180 - x हो जाएगा। और हमें दिया गया है इनका जो अंतर है दिया गया है कितना, 36, मतलब x - 180 - x,
इसका मान दिया गया है कितना 36। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 180 प्लस x बराबर 36। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x में x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x, और ये 180 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ इस तरफ माइनस है तो उस तरफ प्लस हो जाएगा। 180 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 216। ठीक, x का मान निकालेंगे, दो से कटाएंगे, दो एक का दो, दो अठे 108। ठीक, एक x का मान 108 आ गया। हमसे पूछा गया है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, 108। 108 क्या है, ये हमारा अंतःकोण है। हमें अभी x का मान माने थे अंतःकोण, तो हमारा जो x का मान निकल के आया 108 डिग्री, यह क्या आ गया, अंतःकोण। अंतःकोण हमारा कितना निकल के आया है, 108। ये एक अंतःकोण है। ठीक है, अभी हम लोग को बताएं कि अंतःकोणों का योग होता है n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 होता है। ठीक है, लेकिन देखिए आपको दो तरीके से, हम इस तरीके का इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। आपको एक तो ये आप इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, और एक ट्रिक आप लोग को और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे n माइनस 2 ये तो टोटल योग हो जाएगा, और एक के लिए क्या हो जाता है, n हो जाता है। 108 बराबर मतलब एक कोण का योग, एक कोण का मान अगर निकालना चाहे तो हमारा n माइनस 2 इंटू 180 अपान n होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, n का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 108n, और इसका करेंगे तो 180n माइनस 18 गुना 36 360। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ, तो 180 में से 108 को उधर ले जाएंगे तो हमारा बनेगा कितना, 72n बराबर 360। यन का मान कितना निकल के आएगा, 5। ठीक है, यन का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आएगा। ठीक, तो हम देखें इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे इस फार्मूले कर ले जाकर लगा सकते हैं। एक फार्मूला, एक चीज और आप लोग को बताए हैं कि किसी भी बहुभुज के बहिष्क कोणों का योग हमेशा सदैव 360 डिग्री होता है। जैसे आप चतुर्भुज ले लीजिए, पहले आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज के बहिष्क कोणों का योग क्या होगा, मान लें कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, हम अगर ये 60 डिग्री है ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर इसका जो इसका बहिष्कोण हो जाएगा ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा, और इसका यहाँ पर चेक करेंगे, सॉरी ये वाला चेक करेंगे तो ये भी हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। तो 12 गुना 24 12 36 त्रिभुज में तो हम दिखा दिए। अब चतुर्भुज में आपको दिखाते हैं, चतुर्भुज अगर हम ले लें तो यहाँ पर भी देखिए इसका बहिष्कोण, इसका बहिष्कोण, इसका और इसका, यहाँ पे ये 90 का होता है तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा, ये भी 90 तो 9 चौके 36 360। ऐसे भी आप किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों को अगर जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हम निकाले थे ये 108 डिग्री क्या था, अंतःकोण था। 108 डिग्री जो था वो अंतःकोण था, तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा हमारा 180 में से 108 को माइनस करेंगे। देखिए समझिए, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, या तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए कि बहुभुज में क्या होता है कि देखिए एक तो फार्मूला आपका होता है n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, अगर प्रत्येक कोणों का मान पूछे तो n से हम भाग दे देंगे। ठीक, एक तो ये होता है, और एक चीज क्या होता है, अगर हमें बहिष्कोण पता चल जाए, बहिष्कोण किसी तरीके से एक बहिष्कोण का मान अगर हमें पता चल जाए, और हम टोटल जानते हैं टोटल बहिष्कोणों का संख्या कितना होता है 360, और उसे n से भाग दे देंगे, मतलब अगर एक कोण से भाग देंगे, कोण का मान अगर हमें, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अंतःकोण हमारा निकल के आया था 108 डिग्री। ठीक है, अंतःकोण अगर 108 डिग्री निकल के आएगा तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, बहिष्कोण 180 माइनस 108, 180 में से अगर 180 में से 108 को अगर हम माइनस करेंगे, 180 में से 108 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 72 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमें एक कोण का मान पता चल गया है, बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, एक बहिष्कोण का योग एक का निकालना चाहे तो 360 में से 72 से भाग दे देंगे। देखिए हम टोटल जानते हैं 360, और एक अगर हमारा 72 है, 72 से भाग दे देंगे तो हमारी भुजाओं की संख्या निकल के आएगी। तो हम यहाँ से भी भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले से भी भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो आपको अगर किसी भी तरीके से बहिष्कोण पता चल जाए तो आप भुजाओं की संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुभुज में बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एक डिग्री, एक का
एक भविष्य कोण से भाग दे देंगे तो हमें टोटल भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है। अभी आपको जो समझाया है इसको आपको अब इस मेथड से समझाते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखिए आपको दो सेकंड में कैसे लगाएंगे आप। देखिए अगर हम जानते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का योग होता है 180, अगर समबाहुभुज की आंतरिक कोण 140 है तो बहुभुज कितना बहिष्कोण कितना हो जाएगा 40, एक बहिष्कोण कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और टोटल हम जानते हैं कि कितना होता है 360 होता है। 360 में अगर हम 40 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9, यही क्या हो जाएगी बहुभुज की भुजाओं की संख्या हो जाएगी। देखिए हम आपको अभी इस मेथड से भी क्वेश्चन को बता दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए ये शिफ्ट 2 में रेलवे एनटीपीसी 3/3/2021 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको ये सब ट्रिक पता है तो आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी के पास कुल 2300 रुपए हैं, यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है, आपको सीधा जो कहा है वो करते चलिए। कहा है ए का कितना 2/5 बराबर बी का कितना, कहा है बी का 8/26, ठीक है। अब हम यहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से कटाएंगे ये 2 × 8, ठीक है, और इसको कटा सकते हैं 2 × 2 = 4 और 2 × 13 = 26, ठीक है, 13 × 2 ठीक। अब देखिए 13 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 13a बराबर यहाँ 5 × 2 = 10 बी, तो हम जानते हैं कि ए के सामने 10 तो ए और बी का अगर हमें ए बटे बी का मान निकालना है, ए के सामने कितना है 10 और ये 13, ए का मान 10 बी का मान 13, हमें दिया गया है कि ए और बी का कुल, ए और बी के पास कुल कितना है 2300 है ना, ये 2300 कितने यूनिट के बराबर है 13, 10, 23 यूनिट के बराबर है। हमसे पूछा है क्या है तो बी का मान, बी का यूनिट कितना है 13, तो हम 13 से क्या करेंगे गुणा, 13 से करेंगे ये इससे जाएगा ये 100 बार में और 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300, तो बी का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1300, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई है, यदि उसमें से 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये देखिए ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है कि 40% मैच हार गया है तो जीता कितना होगा 60%, तो हम कह सकते हैं ये जो 75 है वो हमारा 60% के बराबर है। हमसे पूछा गया तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों के कुल मैच कितने हो जाते हैं 100%, बस सॉल्व करना है इसको, 0 से 0 कटेगा, इसको कटाएंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 3 से कटेगा ये कितनी बार 25 बार, 25 × 5 = 125, टोटल मैच उसने कितना खेला था 125। ये परसेंटेज का क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ देखिए हमारा 20 क्वेश्चन का श्रृंखला समाप्त होता है। आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम कनेक्ट टू एग्जाम की चल रही है, पूरे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। आप लोग सारे के सारे क्लासेस को अटेंड करिए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाइए, ठीक है। चलिए ऐसे ही मॉक टेस्ट के साथ मिलते रहेंगे अगले दिन अगले क्लास में। धन्यवाद।